स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल जिसे कटलेट भी बोलते हैं की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे रमजान के महीने में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। इसको बनाने के लिए हमने 5 मीडियम साइज का आलू लिया है। इसको आलू को हमको कद्दूकस कर लेना है। पनीर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, इन दोनों को हमने बारीक बारीक काट लिया है। बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च इसको भी हमने काट लिया है, जीरा साबुत, साबुत सौंफ, लहसुन की कलियां इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, अदरक इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया। हमने कुछ पाउडर मसाला लिया है, जिसमें आमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच धनिया पाउडर, नमक 1 चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार से आप डाल सकते हैं, टमाटो सॉस, ब्रेड हम 5 से 6 लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार से ले सकते हैं, जितना आपको खाना हो आप उतना ले सकते हैं। इतने आलू में हम 7 से 8 कटलेट बना सकते हैं। हमने थोड़ा सा बेसन लिया, थोड़ा सा मैदा लिया हुआ है, इसकी हम एक स्लेडी तैयार कर लेंगे घोल। तो चलिए फटाफट से हम ब्रेड काट लेते हैं। बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम की जरूरत पड़ती है, तो ब्रेड क्रम हम बाजार से नहीं लेंगे। ब्रेड को हमें सबसे पहले इसका किनारे का हिस्सा निकाल लेना है, और जो किनारे का हिस्सा बचता है उसका हम ब्रेड क्रम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें सभी चारों कोनों को काट देना है, सिर्फ हम बीच के हिस्से से ही कटलेट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी ब्रेड का किनारे का हिस्सा काट लेना है। सभी ब्रेड को हमने इस तरह से काट लिया है, इसके किनारे को हम एक मिक्सर जार में डालकर इसका एक चूर बना लेंगे, तो इससे हमारा ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन और अदरक डाल देंगे, अदरक लहसुन का कच्चेपन दो मिनट तक हमें अदरक लहसुन को फ्राई करना है। अब इसमें हम जीरा और सौंफ ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम सभी सब्जियों को ऐड कर देंगे। इसमें हमने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, इन सब चीजों को पकाना है। इसमें हल्का सा पकाना है सब्जियों को, जैसे कि हम लो कर देते हैं 2 मिनट तक, हम सब्जी को अच्छे से भूजे, हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें सभी पाउडर मसालों को हम ऐड कर देंगे। चूंकि अब इसमें हम आलू ऐड कर देते हैं, आलू को हमने उबाल के जो मैश करके रखा था वही आलू हम ऐड कर रहे हैं। अपने पसंद से आप उसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं, बीन्स, गाजर, जो भी आपको पसंद हो। इस तरीके से हम पनीर नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो पनीर हमारी टूट जाएगी बिल्कुल। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं, जिससे आलू हमारे अच्छे से भून जाए। अब इसमें हम धनिया का पत्ता ऐड कर देते हैं। धनिया का पत्ता डाल के उन्हें अच्छे से मिला। ये देखिए, इस कटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देते हैं। पनीर को भी डाल के उन्हें आलू में अच्छे से मिक्स कर देना है। दो से तीन मिनट में हमारा इस कटिंग अच्छे से तैयार हो जाएगा। निकालकर हम स्टफिंग को ठंडी होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ब्रेड के किनारे के हिस्सों को निकाल के हमने पीस लिया है। ये हमारा ब्रेड क्रम तैयार हो गया है। अब मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक स्लेडी तैयार कर लेंगे घोल, जो कि हमें कटलेट बनाने के काम आएगा। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसमें जरा सी भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे बहुत पतला घोलेंगे, किस तरह हमें घोल तैयार करना है। इस तरीके हमें स्लेटरी तैयार कर लेनी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दें, इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें ब्रेड को एक एक करके इस तरह से बेल लेना है, जिससे हमारी ब्रेड पतली हो जाएगी और स्टफिंग भरने में हमें आसानी होगी। ये देखिए, इस तरह से हमें सभी ब्रेड को बेल लेना है।
अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे थोड़ा सा। स्टफिंग हम ज्यादा नहीं भरेंगे, नहीं तो बाहर निकल के आने लगेगी। ये देखिए इस तरह से हमें स्टफिंग भरकर किनारे के साइड में मैदे की स्लेवली लगा देना है। घोल जो हमने तैयार किया था इस तरह से हमें चारों कोने पर इसको लगा देना है, जिससे रोल हमारा अच्छे से चिपक जाए। इससे हमारा कटलेट बन के बहुत अच्छा तैयार होता है। ये देखिए अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। इसे आप बनाकर फ्रीज में रख सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप इसे तलिए और खाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। ये इस तरह से हमने बना लिया है। अब इसको हम स्लेरी में कोट कर देते हैं इस तरह से। अब इसको हम ब्रेड क्रम में इस तरह से कोट कर लेंगे। इसका एक्स्ट्रा जो क्रम है इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा कटलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के कटलेट को बना लेते हैं। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले ब्रेड में इस तरह से हम सॉस लगा देंगे, क्योंकि बच्चों को सॉस बहुत पसंद आता है। अगर आपको भी अगर पसंद हो तो आप हरी चटनी या सॉस लगा के खुद के लिए भी बना सकते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग डाल देते हैं इस तरह से। हम उसी सेम तरीके से बनाएंगे, बस इसमें हम सॉस लगा देंगे या चटनी, हरी चटनी जो आपको पसंद हो। ये देखिए अब इसे अभी हम बाद में ब्रेड क्रम और मैदे के घोल में बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ब्रेड रोल कटलेट बनके तैयार हो चुका है। इधर तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तेल को हमने हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसमें एक एक करके हम सभी कटलेट को ऐड कर देंगे। कटलेट को हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, जिससे ब्रेड क्रम इसमें अच्छे से चिपक गया है। आप चाहे तो इसे सुबह बना के, जब आपके पास टाइम हो तब आप इसे बनाइए और फटाफट से फ्रीज में रख दीजिए। जब आपको खाना हो तो चाय के साथ बनाइए और फटाफट अपने परिवार वालों के साथ, अगर मेहमान घर में आए उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए। तो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इसका रिजल्ट अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, जिससे हमारा कटलेट बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इंतजार से हमारा कटलेट पक चुका है। अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए हमारा कटलेट बिल्कुल फटा नहीं, इसमें से स्टफिंग भी बाहर नहीं आई। ये देखिए और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। इसको हम मीडियम आंच पे ही बार तलेंगे, तभी ये कुरकुरा बनेगा। ये देखिए हमारा कटलेट अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम निकाल कर ये देखिए हमारा कटलेट कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। हम इसका आपको क्रंचपन भी सुना, क्रंच कितना क्रंची है ये देखिए हम आपको सुना के दिखाते हैं। हम आपको काट के भी दिखाएंगे। ये देखिए ये कितना टाइट कट रहा है, इसका मतलब हमारा कटलेट बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है, ब्रेड रोल। ये देखिए इस तरह से आप बनाइए और अपने परिवार वालों को रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाए। शुक्रिया।